कोल्हान में कमल खिलाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है, जिसकी कमान चंपाई सोरेन ने संभाली है। बहरागोड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं ईचागढ़ में एनडीए की परिवर्तन संकल्प रैली में सुदेश महतो ने भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। कोल्हान में चंपाई सोरेन ने संभाली कमान, बहरागोड़ा में चंपाई सोरेन की चुनावी सभा, ईचागढ़ में सुदेश महतो ने भरी हुंकार। कोल्हान में कमल खिलाने में जुटे चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बहरागोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश आनंद गोस्वामी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासी मूलवासी का हित ही नहीं चाहती है। ये सरकार को नहीं चाहिए जनजाति भाषा का विकास, ये सरकार को नहीं चाहिए क्षेत्रीय भाषा को विकास। इस हिसाब से यहाँ छाती ठोक रहे कि हम अच्छा काम किया। कोल्हान टाइगर ने उत्पात सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही सरकार की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो गरीब घर का बेटा, मजदूर घर का बेटा, जो आज एक्साइज विभाग में बहाली में उनका मृत्यु हो गया, थोड़ा भी हाथ का दर्द नहीं हुआ। चंपाई सोरेन ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, इसे लेकर आदिवासियों का खून भी बहाया गया था। ये झारखंड आंदोलन समय हर गुआ गोलीकांड, सरिंदा गोलीकांड, नीचा हाथों गोलीकांड, लाल सिंह मुंडा गोलीकांड, बिदाना गोलीकांड, गंगाराम कालुंडिया गोलीकांड, अजीत धोनी दे मातो गोलीकांड, शाहबा हस्ता गोलीकांड, ऐसा बहुत जगह कांग्रेस ने कुचाल किया था झारखंड आंदोलन को। बहरागोड़ा में चंपाई सोरेन तो ईचागढ़ में सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर प्रहार किया। ईचागढ़ में परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने स्थानीय नीति और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा, साथ ही हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जो लोग ये स्थानीय नीति को बात कर रहे थे, 75% बोल रहे थे कि फैक्ट्री में हम जगह देंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहे थे कि नहीं कि 75% लोकल को देंगे। ये बाबा लोकल को देंगे तो बोल दिया, लेकिन लोकल कौन इठो तय नहीं किया कि लोकल कौन होगा, ये तो ये नहीं किया, बोला लोकल को देंगे। हम लोग ने कहा है कि निश्चित रूप से भूमि पुत्र अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम लोग प्राथमिकता देंगे, लोकल मानेंगे और उसको जगह देने का काम करेंगे, ये तैयारी करेंगे, तब जाके लोकल पुत्र को वहाँ जगह मिलने का काम होगा। ईचागढ़ में परिवर्तन संकल्प सभा को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।